नमस्कार मित्रों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी जानकारी लेकर सामने आया हूं जो आने वाले कुछ महीनों में आपके सामने आपके एंड्रॉयड फोन में जो है कि लॉन्च होने वाली है। और यह जो जानकारी है गूगल का जो वार्षिक समारोह कैलिफोर्निया में हुआ था 2019 में अभी अभी, और वहां पर जो गूगल के जो सीईओ हैं सुंदर पिचाई ने कुछ आवश्यक टेक्निकल से संबंधित जानकारियाँ आपको दी हैं जो आपसे शेयर कर रहा हूँ। और यह जो जानकारी है आने वाले कुछ महीनों में ही आपके गूगल एंड्रॉयड फोन में और ओएस फोनों में आपके लिए उपलब्ध हो जाएगी। तो कौन कौन सी नई टेक्निक है जो आपके लिए आ रही है, जल्द ही आ रही है, जिस पर काम चल रहा है। तो पहली जो जानकारी है वह है कैमरा ऐप की। मित्रों, कैमरा ऐप एक ऐसा ऐप बनाया जा रहा है जिस पर काम चल रहा है, जो आने वाले कुछ समय में बस आपके सामने कुछ महीनों में ही आपके सामने होगा कि यदि आप कहीं पर यात्रा पर जाते हैं या कहीं पर भी आपके सामने कोई भी चीज़ वस्तु है, कोई भी थिंग्स आपके सामने है और उसके संदर्भ में आपको जानकारी बिल्कुल नहीं है और आप जानना चाहते हैं कि वो चीज़ आप ये चीज़ क्या है, तो आपको करना कुछ नहीं है, बस गूगल का जो कैमरा ऐप है जो आने वाला है उसको ऑन करेंगे और उस वस्तु के सामने जो है कि उसको ले जाएंगे और उस वस्तु का पूरा डिटेल्स आपके सामने रख देगी कि ये वस्तु की जो है कि इतिहास, उसका हिस्ट्री से लेकर के इसका उपयोगिता, सारी जानकारी आपको एक जगह मिल जाएगी। तो ये कैमरा ऐप बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप कहीं यात्रा पर जाएंगे कुछ भी, तो पता चला कि किसी संदर्भ में आपके पास गाइड नहीं है और आपको जानकारी देने वाला कोई नहीं है, तो आपका एंड्रॉयड फ़ोन ही, आपका ओएस फ़ोन या कोई भी फोन हो, विंडो फ़ोन है, आपका वो फ़ोन ही आपका गाइड बन जाएगा और आप कैमरे को खोल करके जो कैमरा ऐप है जो आने वाला है उसको जैसे ही उस वस्तु के सामने उसके सामने रखेंगे वो तुरंत वो सर्च कर लेगा, क्योंकि संसार की लगभग सारी चीज़ें गूगल मैप में आपको एंट्री मिल जाएगी और जो उसी की सहायता से उसकी जानकारी आपके सामने वह प्रस्तुत कर देगा। मित्रों, जो दूसरी जानकारी है वह है डुप्लेक्स वेब की। डुप्लेक्स वेब वह होगा जो कि यदि आप कहीं पर यात्रा करने के लिए निकले हैं या कहीं पर यात्रा करने का मन बना रहे हैं, आपको वहाँ जाने के लिए बिल्कुल जानकारी नहीं है, तो ये जो वेब है डुप्लेक्स वेब होगा वह आपके सर्च करते ही, जैसे ही इस ऐप पर आप सर्च करेंगे कि हमको दिल्ली जाना है या चंडीगढ़ जाना है या कहीं मैसूरी जाना है, तो जैसे ही इस पे डालेंगे वहाँ पर की सारी संभावनाएं आपके सामने तुरंत एक नज़र में प्रस्तुत कर देगी और वहीं पर केवल यस नो का आपको जवाब देना है और आपको यस नो करते ही पूरा पूरा बुकिंग अपने आप कर देगी कि ट्रेन की बुकिंग और कर देगी और वहाँ पर जैसे उतरेंगे वहाँ पर कार की बुकिंग हो जाएगी और कार की बुकिंग बाद होटल की बुकिंग, मतलब सारी बुकिंग आपको यस करते ही आपको कर देगा, आपको कहीं भी खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये डुप्लेक्स वेब बहुत ही काम का चीज़ है, जो आपको कहीं भी यात्रा करना होता है या कहीं पर भी जाते हैं आपको टैली करना पड़ता है, मिलान करना पड़ता है और दस्तावेजों को खोलना पड़ता है, तो ये आपको करना नहीं पड़ेगा, सारी जानकारी आपको एक साथ कर देगा और आप बताएगा और आपको केवल यस नो का जवाब देना है। मित्रों, जो तीसरी जानकारी है वह है गूगल ऐप कैमरा की। आप गूगल में 3D इमेज या कोई भी इमेज जो आप देखते हैं और उसको जो है कि आपको बहुत खूबसूरत लगता है, तो यह एक ऐसा ऐप आ रहा है जिसके जरिए आप अपने दीवार पर, किसी भी दीवार पर, अपने कमरे में, स्टडी रूम में, जो है कि किचन रूम में, आप कहीं भी 3D इमेज को जो आपके मोबाइल में है या फिर आपके गूगल पर है उसको जो है कि मोबाइल के कैमरे की सहायता से अपने दीवारों पर अंकित कर सकते हैं, जिसके जरिए अपनी दीवार को जो है कि तरह तरह जो है कि खूबसूरत तरीके से आप देख सकते हैं उस इमेज को अपनी दीवार पर। मित्रों, जो चौथी जानकारी है, जो टेक्निक है, वह है गूगल नेस्ट हब का। तो जो नेस्ट हब है, इस ऐप के सहायता से आप यदि घर में लगाते हैं, लगभग ये $129 का आता है जो स्क्रीन और कैमरा से लैस होता है, यह एक ऐसी टेक्निक है यदि आप अपने घर में यूज़ करते हैं तो आपकी, आप कहीं भी रहें आपके घर की गतिविधियों की जानकारी आपको अपने मोबाइल पर आपको मिलती रहेगी, कि जिससे कि आप अपने घर की सुरक्षा, अपने जो है प्रोटेक्शन अपने घर की खुद कर सकते हैं, चाहे वह ताला बंद हो चाहे कुछ भी हो। मित्रों, पांचवी जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा जो कि गूगल के CEO सुंदर पिचाई की तरफ से आया है, वह है कि लेंस ऐप का।
ये जो गूगल लेंस ऐप एक विकसित किया जा रहा है जो अभी कुछ ही दिनों में भी आ जाएगा, और इस ऐप की सहायता से आप यदि कहीं भी जाते हैं, रेस्टोरेंट में एग्जांपल के लिए रेस्टोरेंट में जाते हैं, होटल में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो आपके सामने लंबी चौड़ी लिस्ट आपके सामने आ जाती है और आप डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि क्या उसमें से सिलेक्ट करें, कौन सा मतलब ब्रेकफास्ट करें, कौन सा ना करें। तो आपकी पसंद के अनुसार जैसे ही आप अपने मोबाइल का कैमरा उसके सामने ले जाएंगे, सारा स्कैन करेंगे, वैसे ही आपके पसंद के अनुसार जो है कि आपके सामने शॉर्ट लिस्ट बता देगा कि आपके लायक इसमें कौन कौन से चीज़ खाने लायक है, कौन कौन सी चीज़ नहीं लायक है। तो ये जो लेंस ऐप है ये बहुत ही महत्वपूर्ण रखेगा, इससे शॉर्ट लिस्ट करने में बहुत मदद मिलेगी, आपको दिमाग ज़्यादा नहीं लगानी पड़ेगी। तो मित्रों यह जो ऐप है बहुत ही कारगर होने वाला है, क्योंकि आप अक्सर अपने रेस्टोरेंट में बहुत से रेस्टोरेंट में जाते हैं और अनजान जगहों पर जाते हैं, होटलों में जाते हैं, और वहाँ पर जो लंबी चौड़ी लिस्ट है और हो सकता है कि वो आप भाषा भी आप न समझ पा रहे हो, तो वो जो है कि आपको यह ऐप जो है कि मदद करेगा शॉर्ट लिस्ट करने में। और आपको बता दूँ कि ये जो शॉर्ट लिस्ट करता है वह जो आप गूगल पर, ईमेल में या तमाम तरह के फेसबुक पर जो अपनी इंटरेस्ट की चीज़ें को जो लिस्टेड करते हैं, एंट्री करते हैं, उसी के आधार पर ये शॉर्ट लिस्ट कर देता है आपके कि आपकी ये पसंद है। और लास्ट में जो छठी महत्वपूर्ण चीज़ें उन्होंने बताई वह हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो हम लोग गूगल पे या किसी भी प्लेटफार्म पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, ईमेल पर, न जाने कहाँ कहाँ हमने जो है कि अपनी पर्सनल चीज़ें एंट्री करते हैं और उसकी जो सुरक्षा होता है उसको हम जो है कि नहीं समझ पाते कि हमारा जो मैं एंट्री करता हूँ ये सुरक्षित है कि नहीं है, इसका गलत उपयोग तो कहीं नहीं होने वाला है। तो इस तरह से जो ये ऑटो डिलीट ऐप एक विकसित किया जा रहा है जो जल्द ही आने वाला है अभी, तो ये ऑटो डिलीट ऐप क्या करेगा, जब भी आपको इस चीज़ सर्च करेंगे तो जो हिस्ट्री में मौजूद हो जाता है, एंट्री चली जाती है जिसके सारे लोग हैक कर लेते हैं, तो यह क्या करेगा, ऑटो डिलीट कर देगा, ये आपके सर्च को तुरंत वह डिलीट कर देगा कि आपने क्या क्या गूगल पर सर्च किया, क्या क्या नहीं किया, ये सर्च को डिलीट कर देगा। इस सर्च हिस्ट्री को डिलीट करने से, ऑटोमेटिक से डिलीट करने से यह होगा कि आपका कोई भी पर्सनल चीज़ें होती हैं, जो पर्सनल जो आप क्या खोजबीन करते हैं यह लोगों को नहीं पता चल पाएगा, हैकरों को नहीं पता चल पाएगा। तो इस तरह से ये जो 5-6 जो टेक्निकल जानकारी जो गूगल के वार्षिक समारोह से गूगल के जो सीईओ सुंदर पिचाई की तरफ से आई है, वह जल्द ही कुछ महीनों में हम लोगों के सामने आने वाली है, और जो आने वाले समय में हम लोगों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी पर चीज़ होगा और महत्वपूर्ण उपयोग होगा, और इससे जो है कि हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बहुत कुछ हमारा समय बचाएगा। तो दोस्तों इस टेक्नोलॉजी के आ जाने से हम सभी लोगों को कुल 6 तरह के फायदे होने वाले हैं जो कुछ ही महीनों में हम सभी लोगों को मोबाइल में उपलब्ध हो जाएगा। पहला फायदा हम लोगों को होगा कि किसी भी अनजान चीज़ों के बारे में हम लोग कैमरा ऐप के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपके सामने कोई पौधा है और या कोई फूल है और उसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो आप अपने कैमरा ऐप को जैसे ही फूल या पौधों की तरफ आप ले जाएंगे तो वह उसका पूरा डिटेल्स आपके सामने रख देगा कि इस पौधे का क्या नाम है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, कहाँ पाया जाता है, सारी डिटेल्स आपके सामने रख देगा, कहीं किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो दूसरा सबसे बड़ा फायदा वह होगा कि कहीं भी यदि हम लोग यात्रा पर जा रहे हैं तो डुप्लेक्स ऐप के माध्यम से जो है कि हम लोग ऑटोमेटिक होटल, कार या ट्रेन कहीं की भी बुकिंग हम लोग कर सकते हैं। वह आपके जो ऐप है आप जैसे ही उसमें एंट्री करेंगे कि हमको कहाँ जाना है, सारा डिटेल्स आपके सामने रख देगा, बस आप का यस करते ही वो सारी बुकिंग आपका अपने ऑटोमेटिक कर देगा, आपके खाते से पैसा कट जाएगा। तो इस तरह से ये जो है कि ऑटोमेटिक ऐप काम करेगा आपकी सुविधा के अनुसार। तीसरा जो सबसे बड़ा फायदा हम लोगों का ये होने वाला है कि कहीं भी हम लोग घूमने जाते हैं, घर की निगरानी की बड़ी समस्या होती है, तो इस कैमरा ऐप के जरिए जो है कि इस ऐप के जरिए हम लोग अपने घर की पूरी निगरानी कर सकते हैं, पूरी गतिविधियों पर नजर रख सकते हैं, और लेकिन इसके लिए थोड़ा सा आपको पैसा खर्चा करना पड़ेगा। ये डिवाइस जो है कि $139 की आती है
और इसमें कैमरा लगा होगा, डिवाइस लगा होगा जो आपकी सभी गतिविधियों पर जानकारी रखेगा। जो चौथा जो जानकारी मैं मित्रों आपको बता दूं कि कोई भी आपके घर में गेस्ट आता है या कोई भी आपकी दीवार गंदी है, डेकोरेट करना चाहते हैं अपने मनपसंद के अनुसार उसको सजाना चाहते हैं, तो आपके कैमरे में जो भी 3D इमेज है या आपके गूगल में सर्च में जो भी 3D इमेज आपको पसंद आता है और लगता है कि हमें इसको बड़े तस्वीर में देखना है, तो उसको जो है कि आप कैमरा लेंस कैमरे के माध्यम से जो है कि अपने दीवारों पर जो है कि उसको सजा सकते हैं कुछ देर के लिए। इस तरह से आप किसी भी गेस्ट के आगमन पर उसके मनपसंद की तस्वीर 3D इमेज लगाकर उसका स्वागत कर सकते हैं। वहीं पर पांचवा आपको लाभ मित्रों ये होने वाला है, इसका सबसे बड़ा लाभ कि जब कभी आप किसी होटल में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो आपको लंबी चौड़ी एक लिस्ट मिल जाती है भोजन के लिए, रेस्टोरेंट के लिए, नाश्ते के लिए, तो उसको आप डिसाइड नहीं कर पाते हैं। यदि पूरा आप पढ़ने लगेंगे तो कम से कम एक घंटे तो उसको पढ़ने में लग जाएगा क्या क्या ब्रेकफास्ट है, क्या क्या नाश्ते हैं, क्या क्या खाने में है। तो ये जो कैमरा जो ये ऐप है आपका, ये लेंस ऐप, तो लेंस ऐप आपकी जो ये खाने पीने आपकी इच्छा के अनुसार जो है कि शॉर्ट लिस्ट कर देगा क्या है, जैसे कि आपको रसगुल्ला पसंद है, खाने में ज़्यादा पसंद है, या पनीर की सब्जी पसंद है, या कोई भी आपको मतलब नॉन वेज वेज कोई कुछ ही पसंद है, तो आपकी इच्छा के अनुसार आपके सामने वो शॉर्ट लिस्ट करके आपको बता देगा कि यहाँ पर ये चीज़ आप जो थी खाने लायक चीज़ है। और छठा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपको लाभ होने वाला है वह ऑटो डिलीट का ऑप्शन आने वाला है। जैसे कोई गूगल में आप सर्च करते रहते हैं तो उससे हिस्ट्री में उसकी मेमोरी में जमा होता रहता है, और उसी हिस्ट्री के जरिए जो है कि बहुत लोग जो है कि हैकर हैक कर लेते हैं आपके मोबाइल को और आपकी गोपनीय जो जानकारी होती है वो जो है कि साझा कर लेते हैं और उसके आपके चोरी कर लेते हैं। तो ये जो ऑटो डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, इसके माध्यम से जैसे ही आप गूगल में सर्च करेंगे और सर्च के बाहर आएंगे वैसे ही उसको ऑटो डिलीट कर देगा, जिससे कि कोई भी हैकर जो है कि आपके मोबाइल से कोई चीज़ें चुरा नहीं सकेगा, न ही हैक कर पाएगा। तो इस तरह से हम लोगों को कुछ क्षेत्र का इसका लाभ होने वाला है और जल्द ही यह टेक्नोलॉजी आने वाली है। उम्मीद करता हूँ मित्रों कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में एक नई जानकारी साथ आपसे पुनः मिलता हूँ, तब तक के लिए।